दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के पूरे भारत वर्ष में बहुत ज्यादा प्रशंसक हैं और सभी प्रशंसकों को लगभग हर साल उनसे चैंपियन बनने की उम्मीद रहती है, लेकिन उन्हें हर बार ही निराशा हाथ लगती है। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा निराशा तब लगी जब उनके कप्तान विराट कोहली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक बार फिर से आरसीबी के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी आ सकती है और ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी की कप्तानी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर कप्तान है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विराट कोहली विश्व के बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं और उनकी कप्तानी ने टीम इंडिया ने घर से बाहर विदेश में भी जीत के झंडे गाड़े हैं। लेकिन उनकी कप्तानी में टीम इंडिया को एक भी आईसीसी की ट्रॉफी हासिल नहीं हो पाई और वहीं वो आईपीएल में भी अपनी फ्रेंचाइजी आरसीबी को अपनी कप्तानी में 8 साल में कोई खिताब नहीं दिला पाए, जिसके बाद उन्होंने साल 2021 के आईपीएल के खत्म होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहीं से शुरू हुआ विराट कोहली के कप्तानी से हटने का सिलसिला। और उन्होंने इसके बाद T20 एक दिवसीय के बाद भारतीय टीम के टेस्ट पद से भी इस्तीफा देते हुए कप्तानी के भार से मुक्त हो गए। लेकिन इसके साथ ही उनके प्रशंसकों को इस बात से बेहद निराशा हुई क्योंकि वो विराट कोहली को कप्तान बने रहना देखना चाहते थे। लेकिन अब एक बार फिर से विराट कोहली के प्रशंसकों को खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मालिक प्रथमेश मिश्रा ने अपना बयान देते हुए कहा कि अगर विराट कोहली कप्तानी की भूमिका के लिए सहमत होते हैं तो वो आरसीबी के लिए फिर से कप्तान होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी टीम के लिए कई बेहतरीन मुकाबले जीते हैं और उन्होंने कई बार हमें सेमीफाइनल तक पहुंचाया है। हम भले ही कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए हों, लेकिन ट्रॉफी से आप किसी भी कप्तान को जज नहीं कर सकते। दोस्तों, जिस तरीके से आईपीएल के चेयरमैन प्रथमेश मिश्रा ने विराट कोहली के सामने कप्तानी का ऑफर रखा है, उससे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली उनके इस प्रस्ताव को मना नहीं करेंगे, क्योंकि विराट कोहली अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए काफी समर्पित हैं और वो इस टीम को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से आरसीबी के लिए कप्तानी करते हुए वो नजर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी की कप्तानी करते हैं तो इससे भारतीय क्रिकेट के गलियारों में बहुत सारी बातें बनाई जाएंगी। हालांकि फिर भी विराट कोहली के प्रशंसकों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और उन्हें भारत में ना सही पर आरसीबी में उन्हें एक कप्तान के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साल 2022 के आईपीएल में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फिर से कप्तानी कर सकते हैं या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को।